बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 14, उसका हम लोग अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत दिए गए प्रश्नों को करेंगे। सबसे पहला जो प्रश्न इसमें दिया है वह है कहानी की बात शीर्षक के अंतर्गत का पहला प्रश्न, जिसमें कि लिखा है कि लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे और लाला झाऊ लाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार लिखिए। यहाँ पर जो है अपने विचार लिखना है इस पर कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पर हम लोग इस प्रश्न का उत्तर करेंगे कि लाला झाऊ लाल की पत्नी ने, सबसे पहले यहाँ पे कहानी की बात का यहाँ पर हम लोग उत्तर एक करेंगे। लाला झाऊ लाल की पत्नी ने लाला झाऊ लाल की पत्नी लाला झाऊ लाल की पत्नी ने उन्हें उस लोटे में पानी दिया उस लोटे में पानी दिया जो जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। इसके बावजूद वे कुछ नहीं बोले। इसके बावजूद वे कुछ नहीं बोले। इसके बावजूद वे कुछ नहीं बोले। क्योंकि वे अपनी पत्नी का क्योंकि वे अपनी पत्नी का अदब मानते थे और वे अपनी पत्नी के और वे अपनी पत्नी के तेज तर्रार स्वभाव से परिचित थे। उन्होंने सोचा
कि यदि मैं यदि मैंने लोटे के बारे में कुछ कहा तो यदि मैंने लोटे के बारे में कुछ कहा तो बाल्टी में ही खाना मिल सकता था, तो बाल्टी में ही खाना मिल सकता था। तो इस तरह से लाला झाऊलाल जो है अपनी पत्नी को अच्छे से जानते थे और इसीलिए जो है उसके तेज तर्रार स्वभाव से परिचित होने के कारण उन्होंने उस लोटे के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानते थे कि अगर कुछ कहा तो बाल्टी में ही खाना मिल सकता है। अब दूसरा प्रश्न है यहाँ पर कि लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला झाऊलाल ने लाल में कौन कौन सी बातें समझ ली होंगी? उत्तर 2 हम लोग करेंगे यहाँ पे। लोटा गिरने पर गली में शोर सुनकर लोटा गिरने पर गली में शोर सुनकर लाला झाऊलाल दौड़कर लाला झाऊलाल दौड़कर नीचे आ गए, दौड़कर नीचे आ गए उनके आंगन में भीड़ घुस आई थी। उनके आंगन में भीड़ घुस आई थी। एक अंग्रेज नख शिख तक भीगा हुआ, एक अंग्रेज नख शिख तक भीगा हुआ गालियां देता हुआ चला आ रहा था, गालियां देता हुआ चला आ रहा था। इसी से लाला जी ने अनुमान लगा लिया, अनुमान लगा लिया इसी से लाला जी ने अनुमान लगा लिया कि कुछ गड़बड़ है।
कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ गड़बड़ हो गई है। वे समझ गए कि अंग्रेज लड़ने आया था, अंग्रेज लड़ने आया था। लाला जी समझ गए कि लाला जी समझ गए कि स्थिति गंभीर है, और इस समय उनका चुप रहना ही उचित है, और इस समय उनका चुप रहना ही उचित है, उनका चुप रहना ही उचित है। तो इस तरह से लोटा गिरने पर जो भीड़ घुस आई थी और जो अंग्रेज का पैर चोटिल हो गया था, उसे लाला झाऊ लाल ने किस तरह से संभाला, यहाँ पर ये देखते बन। और अब हम लोग अगला प्रश्न करेंगे जिसमें लिखा है कि अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊ लाल को पहचानने तक से क्यों मना कर दिया, क्यों इनकार कर दिया था। आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे, स्पष्ट कीजिए। तो अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊ लाल को पहचानने से इनकार कर दिया था, तो इस बारे में लिखना है। तो इसे हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, ऊपर से शुरू करेंगे। अब यहाँ पर उत्तर तीन हम लोग करेंगे, और उत्तर तीन में हम लोग करेंगे अंग्रेज के सामने पंडित बिलवासी जी ने पंडित बिलवासी जी ने झाऊ लाल को पहचानने से पहचानने से इनकार कर देते हैं, इनकार कर दिया ताकि अंग्रेज का क्रोध शांत हो जाए, ताकि अंग्रेज
का क्रोध शांत हो जाए। और उसे थोड़ा भी संदेह न हो कि उसे थोड़ा भी संदेह न हो कि वह झाऊ लाल के आदमी हैं। वह झाऊ लाल के आदमी हैं। और वे अपनी योजना के अनुसार पैसों की व्यवस्था कर सकें। चौथा प्रश्न यहाँ पर कि बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था, लिखिए। तो बिलवासी जी ने यहाँ पर रुपयों का प्रबंध, उत्तर चार हम लोग लिखेंगे, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी के संदूक से चोरी करके किया था। तो इस तरह से बीरवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी के संदूक से रुपए चोरी करके किया था, और जिसे उन्होंने बाद में वहीं पर वैसे का वैसे ही रख दिया। और अब यहाँ पे पांचवा प्रश्न है कि आपके विचार से अंग्रेज ने यह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया, ना आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण की खोज कीजिए और लिखिए कि उन्होंने इस लोटे को क्यों खरीद लिया। तो यहाँ पर ये प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में यहाँ पर हम लोगों ने कहानी की बात का हम लोगों ने पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न किया और चौथा। तो इसी के बाद का जो पांचवा प्रश्न है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो इसमें जो है ये बताना है कि अंग्रेज ने ये पुराना लोटा कैसे खरीद लिया और क्यों खरीद लिया, और आपस में इसकी चर्चा करना है, और ऐसा क्या हुआ कि उस अंग्रेज ने उस लोटे को खरीदना चाहा। तो यहाँ पर ये लिखना है। तो आज हम लोग इस वीडियो में ये चार प्रश्न पूरा किए, और पांचवें प्रश्न के बाद हम लोग अनुमान और कल्पना में दिए गए प्रश्नों को करेंगे। तो सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी में पूरा करेंगे।
और अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे का प्रश्न करेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।